नमस्कार मैं आपका निरंकार वर्मा प्रिलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें कमेंट भी दें अपने सुझाव भी दीजिए और वीडियो को शेयर करिए जिससे क्या हो कि हम भी और प्रोत्साहित हो करके आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें ठीक है आइए प्रश्न को देखते हैं प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचियों से संबंधित है और कौन करेक्ट मैच नहीं है कौन सुमेलित नहीं है देखिए एक तरफ दिया हुआ है दल बदल कानून और कह रहा है कि यह तिरपनवा संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड किया गया अनुसूचियों में फिर कह रहा है नगर पंचायत तो ये कह रहा है चौहत्तरवां संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा इसको ऐड किया गया अनुसूची में तीसरा है नवी अनुसूची नवी अनुसूची को कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा ऐड किया गया और चौथा कह रहा है ग्राम पंचायत और इसको कह रहा है तिहत्तरवां संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा हमारी अनुसूचियों में इसको ऐड किया गया अब ध्यान दीजिए अगर हम अनुसूचियों की बात करें थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं देखिए ध्यान से ये पूरी अनुसूचियाँ दी गई हैं आपके सामने जिसमें प्रथम अनुसूची जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं हैं यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि हमें एक नया राज्य बनाना है या उसमें कोई संशोधन करना है तो हमें किस अनुसूची में बदलाव करने होंगे तो आप कहेंगे कि प्रथम अनुसूची में आपको बदलाव करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद दूसरी अनुसूची में कराए वेतन भत्ते तथा पेंशन यानी कि जो पदाधिकारी हैं हमारे राष्ट्र से संबंधित उनके पेंशन वेतन भत्तों की बात कही गई है अनुसूची दो में इसके बाद तीसरी अनुसूची है जिसमें शपथ की शपथ का प्रावधान किया गया है बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस जो शपथ की बात कही गई है इसमें प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट के शपथ की व्यवस्था नहीं है बाकी मंत्रियों की विधायकों की सांसदों की शपथ की व्यवस्था इसमें करी गई है राष्ट्रपति का नहीं है उपराष्ट्रपति का नहीं है इस बात को आपको ध्यान में रखना है फिर है चौथी अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसको कहा गया है कि कितने राज्यों से कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी जैसे उत्तर प्रदेश से उत्त, 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 उत्तर इकतीस सीटें हैं उत्तर इकतीस महा से उन्नीस महाराष्ट्र से उन्नीस है तो ऐसे अलग अलग स्टेट से जो सीटें निर्धारित की गई हैं वो दिया गया है अनुसूची चार में पाँचवीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है यानी कि जो भी अनुसूचित एस सी का जो क्षेत्र है उसके प्रशासन की और नियंत्रण की बात करता है अनुसूची पाँच छठी अनुसूची थोड़ा सा स्पेशल है इसको ध्यान दीजिएगा इसमें असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ये तीन चार स्टेट हैं जिनको हम कहते हैं ए एम टीएम ठीक है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं तो यहाँ के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है अनुसूची छः में इसके बाद सातवीं अनुसूची जो है इसमें त्रिसूची की बात कही गई है यानी संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची अब ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहीं से ये यह डिसाइड हो गया कि संघ के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं यानी कौन से विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार कार्य करेगी कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार काम करेगी और कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा अगर हम आ, इनकी बात करें तो कह सकते हैं आप कि संघ सूची के पास सौ विषय हैं सौ विषय हैं राज्य सूची के पास सिक्सटी सब्जेक्ट हैं और समवर्ती में बावन विषय हैं तो ये विषय हैं इनमें से आपको जो मेन मेन विषय हैं उनको याद कर लेना है जैसे मान लिया हमने कहा संघ सूची तो शेयर मार्केट है जनसंख्या है है ना जनसंख्या एक पे कानून बनाना हो वैदेशिक मामले हों इस तरह के जो मामले हैं उस पर केंद्र सरकार कार्य करती है जैसे वन है शिक्षा है ये सब क्या है समवर्ती सूची है राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी बनाता है इसी प्रकार से राज्यों में राज्य में बहुत सारी चिकित्सा है राजस्व है इस तरह की जो बातें हैं मेन मेन आपको एक लिस्ट बना करके तैयार कर लेना है ठीक है आठवीं अनुसूची आप देखिए तो इसमें भारतीय भाषाओं को रखा गया है तो इस समय अगर देखा जाए तो 22 भाषाएं इसमें शामिल हो चुकी हैं इसमें भोजपुरी का एक मुद्दा छाया हुआ है भोजपुरी को लगातार आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है तो आपको सभी भाषाओं को याद नहीं करना है लेकिन लास्ट में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं उन सबको आपको एक बार लिस्ट दे करके तैयार कर लेना है ठीक है अब इतनी अनुसूचिया जो थी ये मूल संविधान में थी यानी ये कहा थी ये मूल संविधान में थी जो ये चार हैं नौ से लेकर के बारह तक इन अनुसूचियों को बाद में अलग अलग संशोधन के द्वारा ऐड किया गया जोड़ा गया तो कुल संविधान में इसमें अनुसूचियां कितनी है बारह मूल संविधान में कितनी थी आठ थी अब देखिए पहली जो जोड़ी गई वह नवी अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया उसके द्वारा 1951 में अब ध्यान दीजिएगा नवी अनुसूची में जोड़ करके और उसमें लिखा गया कि जो भी सब्जेक्ट इसमें रखा जाएगा जो भी विषय नवी अनुसूची में रखा जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा यानी कि जो न्यायपालिका है इसको आ, रिव्यू नहीं कर सकती है क्यों ऐसा किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ादी जब मिली संविधान जब लागू हुआ तब तक संपत्ति का जो अधिकार था वह एक मौलिक अधिकार था तो अगर हम कहें कि हाईवे बनाना है कोई फैक्ट्री लगानी है यानी विकास के कार्यों को करना है तो भूमि अधिग्रहण करना होगा और भूमि अधिग्रहण करने जब जाएंगे तो चूँकि वो फंडामेंटल राइट था तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे तो बड़ी दिक्कतें आ रही थी इसलिए भूमि सुधार संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए नवी अनुसूची को जोड़ा गया और कहा गया कि इसमें रखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और आप जानते हैं बाद में चौवालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा क्या हुआ संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार उसको लीगल राइट कर दिया गया तब यह समस्या खत्म हो गई इसी पर 2000 इसी पर 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया डिसीजन क्या आया कि चूंकि अनुसूचियां भी संविधान का ही अंग हैं इसलिए न्यायपालिका इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है यानी जुडिशियल रिव्यू का उसने कहा पावर है लेकिन उसने यह भी कहा कि जो भी विषय इसमें 1973 से पहले रखे गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा इसके बाद जो रखे जाएंगे इस, इसमें विषय उन सबका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से यह नवी अनुसूची जोड़ी गई दसवीं अनुसूची आप देखिए इसको जोड़ा गया बावनवा संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि कोई भी नेता किसी पार्टी से चुनाव जीत करके वहाँ गया किसी और पार्टी में शामिल हो गया यानी दल बदल से संबंधित कानून नहीं थे पहली बार उन्नीस में बावनवा संविधान संशोधन करके दल बदल कानून को इसमें ला करके जोड़ दिया गया जिससे क्या हुआ कि दल बदल की समस्याएं हल हो गई हालांकि अभी भी एक प्रावधान ये है कि कोई भी पार्टी अगर किसी पार्टी में जाती है तो अगर उसके दो तिहाई टू थर्ड मेजॉरिटी से टूट करके पहले एक गुट बनाएं और वो गुट बना करके दूसरी पार्टी में जा सकते हैं तो खैर ये जोड़ा गया बावनवा से फिर है ग्यारहवीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है तो आप जानते हैं इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब पंचायती राज का कोई क्वेश्चन पिकअप करेंगे अभी आपको केवल अनुसूची पर मिलान करना है इसलिए आप शर्ट में समझो ग्यारहवीं अनुसूची जो थी वो तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उनके समय में इसको क्या किया गया संवैधानिक दर्जा दे दिया गया संविधान में इसको इंक्लूड कर दिया गया इसी प्रकार से आप बारहवीं अनुसूची को देखिए तो यह नगर पंचायत से संबंधित है और इसको चौहत्तरवां संविधान संशोधन का नाम दिया गया उन्नीस में ही इसको भी ऐड किया गया तो इस प्रकार से ये बारह अनुसूचियां आपके संविधान में शामिल हैं अब आते हैं प्रश्न पे और प्रश्न को देखिए तो दल बदल बावनवा नहीं है ये कितना है त्रिपनवा नहीं है बावनवा संविधान संशोधन है तो यही क्या हो गया गलत अब बाकी क्या है चौहत्वा नगर पंचायत सही नवी अनुसूची प्रथम सही है ग्राम पंचायत तिहतरवा सही है तो मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा ए दल बदल कानून बावनवा संविधान संशोधन उन्नीस की तरह जोड़ा गया ना कि त्रिपनवा संविधान संशोधन थैंक यू